मुझे ब्लाइंड फोल्ड करेगी और मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये अपी को करना पड़ेगा, ये जो चॉकलेट है इसको डिप करके अपनी लाल मिर्च में और फिर उसको खाना पड़ेगा। हेलो गाइस, इट्स मी सोनी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेके आ गए हैं एक और बढ़िया सा वीडियो, जो कि एज यूजुअल मतलब आज हम लेके आ गए, फिर ऊपर बताएंगे क्या हम चैलेंज लेके आए हैं, चॉकलेट ईटिंग चैलेंज। इसमें पता है क्या होगा, इसमें हम ब्लाइंड फोल्ड करेंगे एक दूसरे को और फिर चॉकलेट्स खिलाएंगे और उन्हें गेस करना होगा कि क्या चॉकलेट है। और हाँ, इसी तरह का मेरा एक वो वाला चैलेंज था, ब्लाइंड फोल्ड फूड ईटिंग चैलेंज। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, गेस द चॉकलेट चैलेंज जो भी हम करने वाले हैं। उसके लिए हम थोड़ी बहुत चॉकलेट्स लेके आए, के बाद हम कर रहे हैं आज की नई वीडियो स्टार्ट। आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, मेरे यहाँ का व्यू कितना इतना अमेजिंग है ना, मस्ट वॉच वाला है। चलो दिखाती हूँ मैं आप। आप भी दिखाएंगे कौन कौन से चॉकलेट्स हैं हमारे पास, जो जो कुछ हमारे पास दो मंच मंच किटकैट है, डेयरी मिल्क फाइव स्टार है, ये चॉकलेट्स मिली हैं, बस इतनी मिली, क्या कर सकते हैं हम, लॉकडाउन चल रहा है तो हम इसी में अपना छोटा मोटा सा चैलेंज करेंगे। एक दो तीन चार, हमारे पास चार तरीके के चॉकलेट्स हैं, उन्हीं से हम चैलेंज करेंगे। चलो चार ही गैसेस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, और जो हारेगा उसके लिए बाद में देखेंगे सजा करनी है। ये क्या होता है, स्टोन पेपर सीजर में ये कौन सी चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं आता ये, तो खेल क्यों नहीं हो फिर, सीधा हार मान लो ना, जल्दी क्या छुट्टी है तुम्हारे, स्टोन पेपर सीजर शूट, स्टोन पेपर सीजर शूट। हाँ मैं तो जीतने ही वाली थी, करदा कब बताना, हाँ तो जल से नच रहे तो मेरा अजी करदा, तो मैं जीत गई हूँ। अब ये करेंगे ब्लाइंड फोल्ड और मैं करूँगी इनको, ब्लाइंड फोल्ड और मैं कराऊंगी इनको टेस्टिंग, और ये बताएंगी गेस करके कि वो क्या चीज़ है या फिर क्या नहीं। सो मैं आप करने वाली हूँ इनको ब्लाइंड फोल्ड, ये मुझे ब्लाइंड फोल्ड करेगी और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये बांधती को ज़्यादा कसके इतना सा भी नहीं दिखता, देखने के लिए थोड़ी बांधते, तो मैं कैसे बताऊँगी कि क्या, और मुझे चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत कम पसंद है मुझे चॉकलेट वगैरह। अच्छा अच्छा, चलो तुझे करना भी चॉकलेट चैलेंज खा रही हूँ। अरे तो यार क्या करें, खाली बैठे बैठे कुछ मन कुछ कुछ नहीं आता दिमाग में। चलो मुझे मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद। चलो 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 स्टार्ट करते हैं। दिखता नहीं रहा ना, लाइन फोल्ड तो इनको कर दिया, अब मैं खिलाती हूँ इनको चॉकलेट एक एक करके, बता दूंगी कैसे सच्चे मुझे मीठा नहीं पसंद। पहले तो ये वाली है, ठीक है देख लो चॉकलेट का, मैं अगर हार भी जाऊँ तो मेरी कोई गलती नहीं। चलो मुझे अब ज़्यादा है, ठीक है पहले बता दे दूँ, बताओ बताओ कौन सी है भाई, बता दो जल्दी से भाई, इतना टाइम ही लेते भाई, भाई बता दो जल्दी से भाई, इतना टाइम ही लेते। ये है मंच। क्या ये मंच? मंच है ये, सही जवाब है, ये मंच चॉकलेट ही है, देख लो आप लोग। ठीक है तो इनका वन पॉइंट हो गया, इस बार मैं बता दे रही हूँ इनको पॉइंट। चलो नेक्स्ट खिलाते हैं, चार तो हैं बस, चार तो हैं वैसे भी, क्या कर सकते, नेक्स्ट खिलाती हूँ इनको, खाओ भाई खाओ और बताओ जल्दी जल्दी। डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क क्या थी, डेयरी मिल्क क्या है, चॉकलेट, कौन सा चॉकलेट, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क वाला वाला डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, ठीक है सही जवाब, अपी वाला भी आपका सही जवाब है, आपके दो पॉइंट्स हो गए। ओके नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ एक और ऑर्डर चुकी जैसे, चलो ये खाओ बताओ जल्दी 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 जल्दी, कौन सी है ये, मंच, मंच, अच्छा मंच, वेल डन, तालियां होनी चाहिए। ये गलत जवाब है दीदी जी, मैडम जी हमारी, ये किटकैट थी, ये देखो किटकैट थी, ये एक गलत जवाब दे दिया इन्होंने। अब आपके हैं दो पॉइंट्स, ठीक है आपने दो सही बताई है, अब मैं आखिरी चीज़ और खिला रही हूँ, चार तो चीज़ें थी, लो ये देख लो कौन सी खिला रही हूँ, फाइव स्टार, यस सही जवाब, इनका सही जवाब है, और इनके होते हैं, पट्टी खोल देती हूँ मैं, आप खोल दो मैडम, चार चीज़ें खिलाई हैं उसमें से आपने बताई हैं बस तीन,
तो ठीक है, इतना कोई मुश्किल तो था नहीं, चार चॉकलेट थी और वो बड़ी इजी इजी है। मेरे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं सारी बता दूंगी, क्योंकि मैं चॉकलेट्स की बहुत बड़ी 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 फैन। किटकैट वाली बिल्कुल मंच की तरह थी। हाँ, किटकैट और मंच में थोड़ा सा होता है, पर जो लोग ज़्यादा खाते हैं ना उनको पता होगा डिफरेंस कि किटकैट और मंच में असली क्या डिफरेंस है। अब है मेरा नंबर। चलो मेरा स्टार्ट करते हैं। चलो अब भी करो मुझे ब्लाइंड फोल्ड जल्दी से, हम चैलेंज करो। देख कुछ बिन रहा भाई, क्लियर कर देना चाहते हो मुझे, चाहे नंबर पूछ। अगर दिखाना होता तो मुझे क्यों मानती है सोच, ठीक है। अब मैं खिलाऊंगी इसको, खिलाऊंगी जल्दी से, जल्दी खिलाऊंगी। तो लगते वो मैंने पता अभी क्या किया था, मैंने यहाँ से करके ना नाक बंद कर ली, फिर मुझे याद आया स्मेलिंग चैलेंज थोड़ी है, सांसें भी बंद कर ले अपनी। चलो दो भाई दो, चैलेंज हो रहा मुझे, पानी आ रहा है मेरे मुंह में, मैं तो मैंने खिला दी, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा था कि मैं नहीं खाऊंगी वो। टेस्ट लेने को नहीं बोला, बताओ जनता जवाब चाहती है। मजा आ गया भाई से खा के, और खिला दो कौन सी है ये बता। 100% किटकैट सही जवाब था, मैंने इसे किटकैट ही खिलाई थी। वाह, अरे चॉकलेट के मामले में ऐसे, अब मैं इसे खिला रही हूँ, खिलाओ। कौन सी थी ये? थी 101% मंच। सही जवाब, सही जवाब। इतने ओवर एक्साइटेड क्यों हो रहे हो भाई? मेरे को नहीं बताना क्यों कितने। नेक्स्ट जल्दी से, मैं खिला रही हूँ इसे ये वाली चॉकलेट। नेक्स्ट जल्दी से, मेरे को पेट नहीं होता, ऐसे कौन देता है भाई। मैं डेरी मिल्क यार, क्या यार। लास्ट है ये हमारी, लो ये वाली कौन सी है? 5 स्टार। ये जीत गई, मैं हार गई, ये सही थी। खोल लूँ? मैं खोलूँगी, रुक जा, चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और मैं जीत चुकी हूँ उनसे 1 पॉइंट से, और ये हार चुकी है मेरे से, इनके पॉइंट से 3 और मेरे पॉइंट से 4। मैंने सारी सही बताई, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसको चैलेंज में बहुत मजा आया, क्योंकि इसे चॉकलेट पसंद है, बट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे को तो बहुत मजा आया, अब ये हार चुके हैं तो इनके लिए जो पनिशमेंट है ना वो मैं इनको नीचे जाके दूंगी। सच में दूंगी, पनिशमेंट दूंगी, आप लोग भी देखना।